दोस्तों, अगर ये पांच वर्ड्स को आप यूज करना सीख जाते हो और इन पांच वर्ड्स का मतलब आप सीख जाते हो, तो ये पांच वर्ड्स आपको लाखों कमा के दे सकते हैं इन ऑनलाइन मार्केटिंग, इन ऑफलाइन मार्केटिंग, इन एफिलिएट मार्केटिंग, इन सीपीए मार्केटिंग, जहां चाहो वहां। अगर ये पांच वर्ड आप सीख गए तो आप मार्केटिंग के किंग बन सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज टीए एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज वो पांच मोस्ट पावरफुल वर्ड्स जिनसे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। अगर आप उनको यूज करना सीख गए, सही से यूज करना सीख गए, तो इमिडिएटली आप उसका इम्पैक्ट देखोगे ऑन योर सोशल मीडिया या कहीं पर भी जहां आप उन पांच वर्ड्स को यूज करोगे। सो गाइज, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस यही बोलूंगा कि अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो एक लाइक दे दो और एक बहुत अच्छा कमेंट कर दो, एक छोटा सा ही कमेंट कर दो, चाहे वो हेलो, ओके, बाय, ऑसम, गुड, कूल, जो लिखना है वो लिख दो, बस एक छोटा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस मैं लेके आते रहूं। तो आज पांच वर्ड्स मैं तुरंत तुरंत फास्टली एक्सप्लेन करूंगा। सो जो पहला वर्ड है अपना, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट। गाइस, सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट गाइस, देखो मैं आपको पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है? मैं बोलता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ठीक है? तो आप, हो सकता है, हाँ बोलोगे आप, अगर आप थोड़ा सा माइंड करोगे तो हाँ आप सुन लोगे, ठीक है, बताओ, इस टाइप का, ठीक है, बताओ, हाँ ठीक है, ओके। लेकिन जब मैं बोलूंगा मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट बात, तो क्या होती है गाइज वो सीक्रेट बात? एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपका जो रिएक्शन है इमिडिएटली, यस बताओ, मुझे भी जानना है। और अगर आसपास कोई और भी सुनता रहेगा तो वो भी बोलेगा कि मुझे भी जानना है, बिकॉज द वर्ड इज इंपैक्टिंग योर सीक्रेट। सीक्रेट, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। देखना, जो बड़े बड़े मार्केटर्स रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं आई एम गोइंग टू रिवीलिंग द सीक्रेट। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोज देखी होगी जिसमें वो बोलते हैं आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट इन द वीडियो। तो वो गाइस क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कैची लाइन्स। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज कॉल्ड सीक्रेट, आपको भी इसका यूज करने आना चाहिए। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ मैंने आपको बता सकता हूँ, जहाँ मैं आपको कि मैं यहाँ यूज करता हूँ और आप भी ऐसा इसको यूज कर सकते हो, तो मैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, जो फर्स्ट एग्जांपल है जो आप देख सकते हो ऑन योर मोबाइल, ऑन योर कंप्यूटर, स्टार्ट योर सीक्रेट ट्रेनिंग फ्रॉम हियर। गाइस, अगर मैं बोलता हूँ स्टार्ट योर ट्रेनिंग फ्रॉम हियर, तो यहाँ कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्टार्ट योर सीक्रेट ट्रेनिंग फ्रॉम हियर, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ इम्पैक्ट, सीक्रेट ट्रेनिंग। तो अगर जो नहीं भी सुनता होगा वो भी सुन के बोलेगा अरे सीक्रेट क्या है ये सीक्रेट। तो यहाँ पर गाइस एक इनसिक्योरिटी जनरेट होती है और लोग सोचते हैं हाँ मुझको भी जानना है वो सीक्रेट, मुझ को भी समझना है वो सीक्रेट। तो ऐसे ही आप अपने लैंडिंग पेजेस में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं लैंडिंग पेजेस में, सीक्रेट ट्रेनिंग, सीक्रेट फॉर्मूला, सीक्रेट रिवील। तो सीक्रेट एक ऐसा वर्ड है जो आप अलग अलग जगह पे, सोशल मीडिया पे, लैंडिंग पेजेस पे, अपने फनल्स में, कहीं पर भी यूज कर सकते हो और ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। सीक्रेट एक बहुत बड़ा गेम है, तो आप इसको यूज जरूर करो। सो गाइस, जो नेक्स्ट वर्ड है गाइस जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्री। यस गाइस, फ्री। जब भी देखो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्री, ओके, बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। सो गाइस, ये रहा आपका फ्री का एग्जांपल। देखो, $18 प्लस $2 शिपिंग, ठीक है? तो बंदे वहां क्या रिएक्ट करेंगे, नहीं मुझे नहीं लेना यार, $2 शिपिंग है और $18, मतलब $2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब इंपैक्ट करता है आपके माइंड में कि $2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फर्स्ट वाला मैं समझा रहा हूँ, ओके? तो $2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वहां पर आप थोड़ा अपने आपको पीछे लेते हो, ठीक है? लेकिन जो सेकेंड वाला है $20 का प्रोडक्ट लेकिन फ्री शिपिंग, तो क्या होता है गाइस? देखो, यहाँ पैसे तो उतने ही ले जा रहे हैं, लेकिन जब वो बोल रहा है एंड फ्री शिपिंग, तो आपके दिमाग में क्या हिट करता है? फ्री, फ्री, this is free for you, this is the free gift for you, the free training for you, this product is free for you, the free giveaway। तो guys ये सब क्या है? free impact in our mind, क्योंकि guys जो हमारा ecosystem है, जो हमारा mindset है, उसको ऐसे ही build किया गया है कि free मतलब free, ठीक है? तो ये अगर मैं $100 की भी चीज बोलूं, बेचूं आपको और बोलूं ये चीज फ्री है, तो आप 100% उसको जाओगे खरीदने। तो free कुछ इस प्रकार impact करता है। आप देखो, free product लेकिन plus $20 shipping,
ठीक है। तो यहाँ जो तीन चीज है, एक आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको आप मत देखो, आप ये दोनों चीज देखो। $18 आपका प्रोडक्ट है, $2 शिपिंग, तो आप यहाँ पर अपने आपको थोड़ा पीछे लोगे। लेकिन जो सेकंड वाला है, आप बोलोगे $20 आपका प्रोडक्ट है, लेकिन जो शिपिंग है वो बिल्कुल ही फ्री है। तो बहुत सारे लोग, 100 में से 99 लोग आपको इस खरीदने ही आएंगे इस प्रोडक्ट को, आपके इस प्रोडक्ट को, समझ रहे हो आपको। तो ये इम्पैक्ट है फ्री का। तो आप ऐसे करके फ्री का यूज और सीक्रेट का यूज अलग अलग जगहों पे कर सकते हो, ठीक है। अब जो तीसरा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड यू। गाइज, यू यू क्या है? यू बहुत ज्यादा इजी है, यू यू यू, लेकिन गाइज इंपैक्ट करता है यू। अगर मैं बोलूं आपको, आई एम मेकिंग $100 अ डे, आई एम मेकिंग $100 अ डे, तो ये आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं यहाँ मैं हूँ, ठीक है। मैं हूँ मतलब मैं $100 बना रहा हूँ, तो आपको इससे क्या मतलब। लेकिन अगर मैं बोलूँ यू कैन मेक $100 अ डे, अगर मैं बोलूँ यू कैन मेक $100 अ डे, तो ये आपको पर्सनल इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पॉइंट करके बोल रहा हूँ, यू कैन मेक $100 अ डे, आई एम मेकिंग $100 अ डे, तो यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन बट जब मैं बोलता हूँ यू कैन मेक $100 अ डे, तो दैट इज इम्पैक्टिंग इन योर माइंड कि यू कैन, मतलब आप $100 अ डे बना सकते हो। गाइज ये बहुत ज्यादा, अगर आपको लग रहा है इस समय इजी है और लग रहा है ये नहीं, उतना इम्पैक्ट नहीं करता, तो गाइज आप इसका यूज करके देखो। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं, और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं, वो इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं, तो उनकी चीजें इतनी ज्यादा सेल होती है। अब गाइज जो फोर्थ वर्ड है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। लिमिटेड, तो गाइज इसका क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इसका यूज करना, कैसे इसको यूज किया जाता है, देखो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है लिमिटेड को यूज करना, ठीक है। आई एम गिविंग दिस थिंग्स फ्री, फ्री का भी यूज है, लिमिटेड मतलब इसमें सब मिला जुला, मतलब दिस, आई एम गिविंग यू दिस थिंग फ्री, बट दिस इज लिमिटेड फॉर ओनली 50 पीपल। दिस इज फ्री फॉर यू बट लिमिटेड, दिस इज फ्री फॉर यू बट लिमिटेड। गाइस क्या हो रहा है यहां, मैं आपको फ्री भी दे रहा हूं, तो फर्स्ट वर्ड जो है इंपैक्ट कर रहा है फ्री, तो सेकेंड वर्ड क्या कर रहा है, लिमिटेड। तो गाइस ये इनसिक्योरिटी पैदा करता है, लिमिटेड, ये लिमिटेड है। लोग सोचते हैं अरे लिमिटेड है, ये बाद में खत्म हो जाएगा, अगर 50 लोग हो गए उसके बाद मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी उस चीज को देखता है तो उस पर एक्शन लेगा। मान लो एक सोशल मीडिया पोस्ट है और आप लिखते हो दिस इज लिमिटेड, दिस इज लिमिटेड, तो वहां लोग सोचेंगे लिमिटेड है, अगर देखेंगे तो आपको कमेंट करेंगे, वो उस पर एक्शन लेंगे। ऐसे आप लैंडिंग पेज भी यूज करते हो तो लोग वहां अगर देखते हैं तो वहां जाके एक्शन लेंगे। तो ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है लिमिटेड। सो गाइस जो हमारा पांचवा वर्ड है, दैट इज कॉल्ड बिकॉज। यस गाइस, बिकॉज कोई भी चीज हो, चाहे आप कुछ भी सेल कर रहे हो, या अपने आप को कहीं सेल कर रहे हो, या अपने आप का कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो, या कोई वीडियो सेल कर रहे हो, कुछ भी आप यूज करते हो, तो उसमें वाई बिकॉज का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, क्योंकि। देखो एक रिसर्च हुई हार्वर्ड में, जिसमें कुछ लोगों से बोला गया कि ये आपको खरीदना चाहिए। मान लो मैं बोलता हूँ ये पेन आपको खरीदनी चाहिए, मैंने कुछ 50 लोगों से कहा ये पेन आपको खरीदनी चाहिए, और वहीं मैंने कुछ अलग 50 लोगों से कहा ये पेन आपको खरीदनी चाहिए क्योंकि ये 2 मिनट में 2 पेज लिख देती है, क्योंकि ये 2 मिनट में 2 पेज लिख देती है। तो वहां मैंने क्या किया, क्योंकि लोगों को बता दे क्यों उसको ये पेन खरीदना चाहिए। तो यही रिसर्च हुआ था हार्वर्ड में, तो वहां पर ये इम्पैक्ट आया था कि जहां लोगों को क्योंकि बताया गया, वहां लोगों ने ज्यादा चीजों को खरीदा, और जहां लोगों को उसका वाय नहीं क्लियर किया गया, वहां लोगों ने कम खरीदा। तो गाइज वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करो या कोई चीज आप कहीं लिखो, तो वहां बताओ यू नीड टू परचेज दिस पेन, यू शुड बी परचेज दिस पेन बिकॉज दिस इज द वेरी वेरी यूजफुल पेज एंड यू कैन राइट 2 पेज इन 2 मिनट्स। तो मैं क्या बिकॉज दे दिया यहाँ पर, तो अब आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये कुछ तो कर सकता है, क्योंकि आपका यहाँ वाई क्लियर हो रहा है। तो आप जाओगे सोचोगे इस बारे में कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ बस यू should be buy this pen, you should buy this pen, you need to buy this pen, तो आप ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके दिमाग में, और आप ये ज्यादा उस तरफ मतलब ध्यान नहीं दोगे कि आपको वो चीज खरीदनी चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो why? बिकॉज को आप बताओगे जब कभी भी किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, जैसे कि मान लो मैं बेच रहा हूँ आपको बिल्डर, ठीक है, बिल्डर, सो यू नीड टू यूज बिल्डर बिकॉज
इट हेल्प्स इन एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग, इन डिजिटल मार्केटिंग, इन ऑल मार्केटिंग, ऑल्सो इन योर ऑफलाइन बिजनेस, इन ऑनलाइन बिजनेस, हर जगह आपको बिल्डर हेल्प कर रहा है। सो आपको ये चीज यूज करना चाहिए ऐसे। मैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो जब आप इसका यूज करोगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा, आप अपने बिजनेस में इससे आगे बढ़ोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ होगा बिल्डर को यूज करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व कर रहा हूँ आपका। प्लस आप इससे पैसे कमा सकते हो, आप इससे पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो आपका जब क्योंकि यहाँ सॉल्व हो रहा है तो आप सोच रहे हो यस मुझे बिल्डर खरीदना चाहिए, ठीक है, मुझे बिल्डर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पैसे भी कमा के दे रहा है, मेरे बिजनेस में हेल्प भी कर रहा है, और प्लस जो मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, उन पे भी मैं नजर रख पा रहा हूँ इसके टूल्स के द्वारा, इसके सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आप ज्यादा सोचो कि मैं इसको खरीदूँ। तो गाइज ये 5 वर्ड हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं इन ऑनलाइन मार्केटिंग, और बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करते हैं सीपीए एंड एफिलिएट मार्केटिंग। और आप ये बहुत अगर अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ज्यादा सेल्स निकालोगे इससे, और बहुत ज्यादा अपना जो ब्रांड है उसको भी बिल्ड कर पाओगे। तो ये काफी अच्छा है, अगर आप चाहो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। सीक्रेट फ्री यू लिमिटेड एंड बिकॉज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही चैनल पे बने रहो। आई एम द टीए एंड आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बाय बाय, जय हिंद।